हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एंटीवायरल एजेंट के बारे में। ओके, जैसा कि आप जानते हैं ये वीडियो सीरीज है, फार्माकोलॉजी के क्वेश्चन जो है अपन इसमें डिस्कस कर रहे हैं कंटिन्यूसली। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, एक एक करके अपन टॉपिक वाइज जो है फार्माकोलॉजी के क्वेश्चन जो है डिस्कस कर रहे हैं। ये उन स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है जो कि फार्मासिस्ट एग्जाम या जीपेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, और इस वीडियो सीरीज में आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो बहुत ही अच्छे लेवल के मिलेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एंटीवायरल ड्रग आर द एनालॉग ऑफ न्यूक्लियोसाइड एक्सेप्ट। द आंसर विल बी सिक्वेनावीर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, टेक द ड्रग डेरिवेटिव एडामेंटेन। The answer will be yes, B, Rimantadine। थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं थोड़ा सा गैप लूंगा। ये गैप इसलिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि आप अपने हिसाब से क्वेश्चन का आंसर गैस करें और फिर जो आंसर मैं बता रहा हूँ उससे मैच करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, टेक द ड्रग डेरिवेटिव पायरोफॉस्फेट। द आंसर विल बी ए फोर्स कार्नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, देखिए इसमें जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे लेवल के हैं और आपको ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो है अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो कीप सपोर्टिंग, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, टेक द ड्रग इनहिबिटिंग द वायरल डीएनए सिंथेसिस। The answer will be D, acyclovir। Next, question number 5, take the drug inhibiting uncoated of viral DNA। Very important question। The answer will be B, Rimantadine। Next, question number 6, take the drug inhibiting viral reverse transcriptase। The answer will be A, judovidine। Next, question number 7, take the drug inhibiting viral protease। The answer will be yes, C, secukinumab। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, टेक द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हर्पीज एंड साइटोमेगलोनावायरस इन्फेक्शन ट्रीटमेंट। द आंसर विल बी डी, एसाइक्लोविर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, टेक द ड्रग विच बिलोंग टू नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड इनहिबिटर। द आंसर विल बी सी, नेविरापिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एंटीवायरल ड्रग आर एंटी रेट्रोवायरल एजेंट एक्सेप्ट। द आंसर विल बी यस, एसाइक्लोविर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, टेक द ड्रग यूज फॉर इन्फ्यूजा ए प्रिवेंशन। द आंसर विल बी रिमांटाडिन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, टेक द ड्रग यूज फॉर एचआईवी इन्फेक्शन ट्रीटमेंट ए डेरिवेटिव ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स। The answer will be yes, B, judovidine। Next question number 13, take the antiviral drug which belong to the endogenous protein। The answer will be C, interferon alpha।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, टेक द ड्रग विच बिलोंग टू द न्यूक्लियोसाइड्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड इनहिबिटर. द आंसर विल बी ए डीएडेनोसोर, डीएडेनोसिन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, All of the following antiviral drug are anti-influenza agent except. The answer will be A, acyclovir. Next, question number 16. Take the unwanted effect of sudafedrine. The answer will be B, anemia, neurotrophenia, नौसिया एंड इंसोमनिया. ओके, एज वी नो दैट जीरोविडिन जो है अपन किस में यूज करते हैं. एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जीरोविडिन जो है मदर मदर के लिए जब फीटस में उसको एचआईवी हो जाता है तो उसको इनहिबिट करने के लिए अपन जीरोविडिन ड्रग को यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, टेक द अनवांटेड इफेक्ट ऑफ इंट्रावेनस एसाइक्लोविर इन्फ्यूजन. द आंसर विल बी A, renal insufficiency, tremors and delirium. Next, question number 18. Take the drug that can be induce peripheral neuropathy and oral ulceration. The answer will be B, gelcitabine. Next, question number 19. Take the unwanted effect of dinenogene. Next answer will be B, peripheral neuropathy and pancreatic diarrhea and hyperuricemia. Next question number 20. Take the unwanted effect of indinavir. The answer will be B, nausea, hepatotoxicity and nephrolithiasis. Next, 21. Take the drug that can induce the nausea, diarrhea and abdominal pain of rhinitis. The answer will be D, secunavir. Next, यहां से अगला वीडियो जो है वो एजेंट ऑफ फॉर कीमोथेरेपी ऑफ कैंसर पे आने वाला है. ओके, तो यहाँ तक अपने एंटीवायरल ड्रग जो है वो अपन ने डिस्कस किए. होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा. लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को. ओके, थैंक यू सो मच. देखिए ये एक्चुअली क्वेश्चन जो है वो दोनों हिसाब से हो जाता है, जैसे कि इसमें अपनी प्रैक्टिस भी हो जाती है और इसमें अगर कुछ मुझसे भी गलती होती तो आप मुझे बताएं, मैं उसमें करेक्ट करने की कोशिश करूँगा. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. Keep supporting.